प्रिय विद्यार्थी, पढ़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका अध्याय 2 मेरे संघ की औरतें। मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा एक नई शैली में रचित संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, दादी, माँ तथा बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। लेखक के इस संस्मरण में हमने अब तक लेखक की स्वतंत्रता पर नानी, लेखिका की माँ और माँ के घर में और परिवार में प्रधानता और लेखिका की परदादी के बारे में पढ़ा। आज हम लेखिका के स्वयं के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे चुप्पी साध गए, पर मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क को समझ। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारमजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मीरा के शौक था, सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरुआत कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ या कोई और काम पर। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या दुख थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गुटमुट हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव में मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां वह कंठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। इस तरह से हमने पढ़ा कि लेखिका बहनों में दूसरे नंबर पर थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेखिका को टाइफाइड का ज्वर था, यानी लेखिका टाइफाइड से ग्रस्त थी, बीमार थी। वह इंडिया गेट जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु जा न सकी। वह रोने लगी तो उनके पिताजी ने उनको ब्रदर्स काराम जो है नामक पुस्तक पढ़ने को दी। लेखिका उस समय 9 वर्ष की थी।
पुस्तकें पढ़ना लेखिका का सबसे प्रिय शौक था। वह रोना बंद कर पुस्तक पढ़ने में लग गई। उसने अनेक बार इस पुस्तक को पढ़ा, परंतु पहली बार में ही बच्चों पर होने वाले अत्याचार वाला अध्याय उसे लगभग कंठस्थ हो गया था। वो उसे जीवन भर याद करते रही और उसके लेखन में इसमें प्रभावित हुई। और उनके बहुत सारे जो लेखक लेख लिखे थे, जिसमें जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की चोरी जैसी कहानियाँ व कंठ गुलाब उपन्यास के कई अंश में ब्रदर्स कारमजोव में जो पढ़ा वो सम्मिलित किया। ब्रदर्स कारमजोव एक बहुत बड़े रूसी उपन्यासकार थे जिनके बारे में लेखिका ने पढ़ा था। इसके आगे का भाग कि लेखिका का क्या दृढ़ निश्चय था वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।